हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हीरा गोल्ड सीईओ को यहाँ पर चित्रकूट में प्रेजेंट किया जा रहा है। बात करते हैं नौरा शेख से। नौरा जी, सीसी पुलिस ने आपके ऊपर बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आरोप लगाया है कि कम से कम 5,000 करोड़ रुपए का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। 5,000 करोड़ तो छोड़ दीजिए, अगर 5,000 CCS प्रूफ करा दें तो नौहीरा शेख जो बोले वो मानने को तैयार है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट 5,000, सिर्फ 500 करोड़ तो छोड़ दीजिए। मैडम, वो बहुत बड़ी रकम बता रहे हैं, ऐसे कोई नहीं बताएगा। एक पुलिस ऑफिसर अगर बयान देता है और एक मीडिया को बयान देता है या कोर्ट में बताता है तो कहीं ना कहीं वो बता रहे कि आपके हार्ड डिस्क में से, आप ही के हार्ड डिस्क से सब ट्रांजेक्शन का पता चला है। हार्ड डिस्क कोई प्रूफ नहीं होता है। हार्ड डिस्क जो है हमारे पास बैंक प्रूफ होता है, वो लीगल होता है। हार्ड डिस्क कोई प्रूफ नहीं है। तो यानी वो ऐसे ही बोल रहे हैं? हाँ, ऐसे ही बोल रहे हैं। बिजनेस टर्नओवर को वो अलग चीज तरीके से बता रहे हैं, जो कि आईटी रिटर्न है और सारा गवर्नमेंट को शो किया गया है। एवरी ईयर आईटी फाइल जो किए हैं उस टर्नओवर को स्कैम बता रहे हैं और वो हम कोर्ट में प्रूफ करेंगे। नौरा जी, आपके अकाउंट में अभी तक ऐसा बताया कि पुलिस के साथ 26 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए बचे हैं। इन्वेस्टर्स बहुत है, नौरा शेख पैसे कैसे चुकाएंगे? और पुलिस को नहीं मालूम कि कितना बैलेंस है, क्योंकि कभी भी कोई बैलेंस प्रवेशी कोई भी बैंक पुलिस को प्रोवाइड नहीं करती और पुलिस ने परफेक्ट बैलेंस हमारा नहीं बताया। और दूसरी बात जो है कि जो भी कस्टमर होते हैं उनके लिए बिजनेस पे पेमेंट होता है, गोल्ड पे पेमेंट होता है, प्रोडक्ट पे पेमेंट होता है। बैंक में पेमेंट अगर होता तो फिर कस्टमर के बिजनेस के पैसे कैसे मिल सकते थे आज तक? तो इसलिए जो पैसे आते हैं कस्टमर के वो बैंक में पड़े नहीं रहते, वो पैसे प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं। एक्चुअली बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। ऑफिसर्स को कभी कभी उस बारे में सोचना चाहिए कि बिजनेस के क्या पॉलिसीज है। विनीत डांडा का कुछ आरोप है कि आपने 200 करोड़ के सुप्रीम कोर्ट में बनने से मना कर दिया था, इसलिए वो मॉरल ग्राउंड पर छोड़ रहे हैं। और उन्होंने हमें भी फोन किया था, हमें भी बताया था कि वो पैसे भरने को आज तैयार नहीं है। उसके बारे में क्या कहें? क्या विनीत डांडा को आपने हटाया है कि वो खुद हटे? नहीं, देखिए विनीत डांडा के जो आर्गुमेंट थे, जो आखिर में जो उनके आर्गुमेंट थे, वो हमारे केस से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए जो है मैंने ही हटाया है। और उन्होंने भी बार बार कहा है कि मैं छोड़ रहा हूं, तो फिर मुझे जो केस छोड़ने के लिए बोलते हैं, मुझे ऐसे लायर की जरूरत नहीं है। मेरे लिए 100 लायर सुबह तक आके खड़े हो जाएंगे। तो मुझे कोई विनीत डंडा की मैं मोहताज और मजबूर नहीं हूं। और मुझे दुनिया में बहुत सारे लायर्स हैं। वो बार बार बोल रहे थे मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि जब मैं थी तो हर वक्त पैसा वगैरह सब कुछ मिलता था। जब पैसे की कमी हो गई, जब मैं अंदर आ गई, तो फिर जाहिर से बात है अच्छे बुरों की पहचान इसी वक्त में तो होती है। वो तो कह रहे थे हमारी बहन है, 16 साल से रिलेशन है, मैं तो ऐसी केस लड़ रहा हूँ। हाँ, ऐसी केस लड़ रहे हैं ना, जब अकाउंट स्टेटमेंट निकालेंगे तो सब पता चलेगा, क्योंकि मैंने कभी किसी को कैश 100 रुपये भी नहीं दिया है, टोटल बैंक से दिया है। नौरा जी, सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी अदालतों में 4-4 महीने का जो विनीत डांडा ने बात की थी कि हमने एफिडेविट डाला है कि इंस्टॉलमेंट पे देंगे, तो क्या नौरा शेख उस पर कायम है? मैं बिल्कुल उस पे कायम हूँ। और दूसरी बात क्या है कि मुझे 4-4 महीने का भी नहीं, और सबसे पहले मेरे चलते हुए बिजनेस पर से मुझे उठाया गया है। ना मेरा बिजनेस बंद था, ना मैं कहीं बिजनेस बंद करके भाग गई थी, ना मेरे शोरूम्स बंद थे, ना मेरे ऑफिसेज बंद थे, कुछ भी नहीं था। खाली थोड़ा पेमेंट्स का डिले था, लेने देने का डिले था उस वक्त। अब मुझे उठाकर, जैसे कहते हैं कि जैसे जिंदे इंसान को उठाओ, हाथ पैर सब बांध दो, अब बोलो कि तुम काम करो, तो उस तरह से मुझे अंदर रखकर, जबकि मैं बात नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं सकती, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, और अकाउंटों को फ्रीज करके कहा जा रहा है कि पैसे दो। अब मैं जैसे रिलीज हो जाऊंगी, अकाउंट जैसे डीफ्रीज हो जाऊंगे, कस्टमर का पेमेंट उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। और इंशाल्लाह वो तो 4 महीनों का वादा कोर्ट में किया है, क्योंकि देर बोलकर जल्दी देना, मैं तो और जल्दी फिनिश करके बताऊंगी। 16 महीना टोटल का है, 16 महीना वही बोल रही हूँ ना, हमने कोर्ट में टाइम लिया है, क्योंकि प्रोडक्ट्स होते हैं कस्टमर के, सेल करना होता है, सेल करके देना होता है। अगर नौरा शेख ये कह रहे हैं कि अकाउंट डीफ्रीज होगी तो हम पेमेंट देंगे, तो अकाउंट में तो पैसे बहुत कम बता रहे हैं, और भी दूसरे अकाउंट है जो आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जो भी अकाउंट के बता रहे हैं वो परफेक्ट नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि अकाउंट में पैसे बिजनेस के होना जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट सेल होता है तो कस्टमर के पैसे अकाउंट में आते चले जाते हैं, और कोई भी बिजनेसमैन अकाउंट में पैसे रखकर नहीं बैठता है, वो बिजनेस करता है और प्रोडक्ट पे लगा के रहता है। हमारे पास गोल्ड के सोर्सेस है और उनको पेमेंट के सोर्सेस है, हम आराम से हमारे कस्टमर को दे सकते हैं। और कंपनी 15 साल से दे के बताई है, आज देने की बात करती तो अलग बात होती, लोग भरोसा नहीं करते। 15 साल से कंपनी दे के बताई है और बैंक के थ्रू दे के बताई है। नौरा जी, नई लीगल टीम ने आपको कितना आश्वासन दिया कि कब तक आप बाहर आ सकते हो?
उन्होंने पूरा देखा होगा आपकी नई लीगल टीम भी निशाना जीती, क्या लगता है? इन्वेस्टर कोई भी लीगल टीम पर, लीगल एक्ट के ऊपर मैं भरोसा रखती हूँ और मैं जो बात है उनको बताती हूँ, और मुझे टीम से ज्यादा अल्लाह पे भरोसा है। जब मैं अल्लाह चाहेगा उसी दिन निकल जाऊंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। जल्दी से बात करेंगे।